हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमाज किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं आप लोग की रेसिपी लेके आई हूँ, वो है पराठा रोल। बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊंगी और बहुत मजे का बनता है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस बॉल में ये मैदा डालेंगे, एक कप मैंने मैदा ले लिया है और इसे छान के इस्तेमाल करना है। और ये एक टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और इसमें एक ही कप हम दूध डालेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। किसी भी आप चम्मच के साथ इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे तब तक मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल कोई गुठली ना रहे। ये देखें, अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कोई इसमें गुठली नज़र नहीं आ रही है। और इसको जितना मैदा लेना है उतना ही दूध इस्तेमाल करना है। ना ये थिक रहेगा ना थिन रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस उतना ही आपने दूध ले लेना है और अच्छी तरह मिक्स जो है वो आपने अच्छी तरह करना है। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे लेकिन अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा। अभी हम सब्जियां तैयार कर लेते हैं और इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं कि ये सेट हो जाए। ये सब्जियां कुछ मैंने कट कर ली हैं। ये देखें, बंद गोभी है तो इसको मैंने इस तरह काट लिया है। और ये हरी मिर्च और रेड मिर्च ले लिए, इसको मैंने थोड़ा काट लिया है। और ये मैंने टमाटर ले लिए, इस तरह स्लाइसेस की शक्ल में काट लिया है। और ये खीरा ले लिया, इसको भी मैंने इस तरह स्लाइसेस की शक्ल में काट लिया है। ये लच्छों की शक्ल में हमने प्याज काट लिए हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि वो कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो उसमें मैंने ये ले लिए हैं। ये मुजरेला चीज़ है तो इसको मैंने नाइफ से काट लिया, इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। 2 अंडे मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने टमाटो केचप ले ली है 2 चम्मच और ये ब्लैक मिर्च ले ली है। अभी पराठा तैयार करते हैं तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। वैसे चूल्हा मैंने ऑन किया हुआ है, बस थोड़ा सा इसे फैला लेते हैं। आप घी बटर कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। चूल्हे की आंच जो है वो आपने कम ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी कि हमारा पराठा जल ना जाए। मैंने ये चम्मच ले लिया है, इसके साथ बनाऊंगी। आप तवे पे ही बना सकते हैं, पैन में बना सकते हैं, बस इस तरह चलाते जाएं। ये गरम है तो वैसे ही नीचे चिपक जाएगा। बस अभी मैं इसे छोड़ देती हूँ 2 से 3 मिनट। जब एक साइड थोड़ी तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए, इसके साथ वैसे मैंने नीचे ऑयल लगा दिया था। अभी इसे थोड़ा सा ना इस तरह हिला देना है, इस तरह कि ये नीचे से जले नहीं। थोड़ी देर बाद फिर हिला देना है। 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह एक साइड तैयार करनी है। ये देखिए, आपकी चूल्हे की आंच पे है, आप कितनी रखते हैं। तो अभी इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। आप कोई सा भी चम्मच ले लें, उसके साथ कर सकते हैं। इस तरह इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और इसी तरह इसे बस थोड़ी देर बाद इसे ज़रा चला लेना है तो ये दूसरी साइड भी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, पराठा हमारा तैयार हो चुका है। इसके हम दूसरी साइड भी आप लोगों को दिखा देते हैं। अभी इसे निकाल लेते हैं और तीनों पराठे मैं इसी तरह तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे तीनों पराठे तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं 2 अंडे तैयार कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं। इसे भी इसी तरह करके थोड़ा सा फैला देना है, फिर इसमें अंडे डाल देंगे। अंडा मैंने ये देखें तोड़ के रख लिए, अलग अलग अंडा तोड़ लेना चाहिए कि अंडे ख़राब भी निकलते हैं। इसको मैं इस तरह तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरा अंडा तैयार करूँगी। ये देखें, अंडे को मैंने दोनों साइड से तैयार कर लिया है। मैं इसे निकाल लेती हूँ, ये इस तरह दोनों साइड से, दोनों अंडे मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अभी हम एक साइड से ये पराठा थोड़ा सा काट लेते हैं, इतना सा। ये हमारा इतना पराठा कट गया। मायोनीज डालेंगे,
लिए हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। इसको आप जितनी चाहें केचप लगा सकते हैं, चटनी भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। अभी हम एक साइड पे अंडा रख लेंगे। ये हमने अंडा उठाया और यहाँ पे रख दिया। अभी एक साइड पे हम ये टमाटर लगा देंगे। इस तरीके से इस तरीके से अभी एक साइड पे हम ये बंद गोभी लगा देंगे। यहां तक ये जो स्लाइसेस हमने काटे थे ये इसके ऊपर लगाएंगे, केचप के ऊपर। ये जितने आप इस्तेमाल करना चाहें उतने कर सकते हैं। ये जो खीरा है ये हम इस तरह लगाएंगे। इस तरह लगा ली, इधर से इसको पकड़ेंगे और इसको इस तरह इसके ऊपर ले जाना है। इसको पकड़ेंगे इसके ऊपर ले आना है, इसको पकड़ेंगे इस तरह। ये देखिए कितना पराठा हमारा मजे का तैयार है। लेकिन फिर इसे एक बार गर्म करना है, तो इसमें हम ये लगा देते हैं, टूथपिक लगा देते हैं इस साइड से भी, इस साइड से भी, फिर गर्म करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये अब दूसरा पराठा तैयार कर रहे हैं, तो इसको हमने ये थोड़ा सा कट लगा लिया है और इसकी भी इसी तरह हम केचप लगा लेंगे। बस ये आपने देखना है कि तीन इसे कर लें या चार कर लें, उस पर आप ये चीज़ें लगा सकते हैं इस तरह। अब इस पर हम केचप लगाएंगे। अब दूसरे हिस्से में हम ये इस तरह बंद गोभी लगाएंगे। ये हमने दूसरा पराठा इस तरह तैयार कर लिया है। पहले हमने प्याज और टमाटर केचप लगा लिए, उसके बाद ये मायोनीज थोड़ी सी इस पे डाल दिए, बंद गोभी पे ये लगा दिए, और ये हमने टमाटर डाल दिए, ये मुजरेला चीज डाल दिए, और इसको उसी तरह हम फोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह फोल्ड करनी है ये इसी तरह। दो पराठे हमने पहले तैयार कर लिए थे, एक अंडे बगैर तैयार किया और एक अंडे वाला तैयार किया है। ये भी अंडे वाला है क्योंकि कुछ लोगों को मना होता है, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं तो अंडे वाला पराठा नहीं खाते, तो उनके लिए हमने वैसे तैयार कर दिया है। अभी ये हमने मुजरेला चीज़ लगा दी है, ये बंद गोभी लगा दी है, इसके नीचे जो है वो टमाटो केचप लगाइए, इस तरफ भी इस तरफ भी, इधर अंडा डाल दिया है, ये टमाटर इस तरह लगा देंगे और इधर इस तरह इसके ऊपर खीरा लगा देंगे, और फिर इसको इस तरह पकड़ के हम रोल बना देंगे दूसरे तरीके से। बस इसको टूथपिक लगा देते हैं, फिर इसे गरम कर लेते हैं। ये देखिए इसको मैंने गरम कर लिया है, थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। अब इसकी दूसरी साइड में इसी तरह क्रिस्पी कर लेती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसे अच्छी तरह थोड़ा सा प्रेस करके दूसरी साइड भी इसकी क्रिस्पी कर लेते हैं, फिर उतार लेंगे। तीनों पराठे हम इसी तरह कर लेंगे। ये देखिए हमारा पहले वाला पराठा तैयार हो चुका है। ये साइड भी देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये साइड थोड़ी कच्ची लग रही थी, तो ये भी इस तरह करके मैंने पका लिए। बस थोड़ा सा ऑयल लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया। ये भी तैयार हो गई।
ये पहला पराठा तैयार हो गया, अब हम दूसरा तैयार करते हैं। ये देखिए दोनों साइड से इससे भी तैयार हो चुका है, इस साइड से भी तैयार हो चुका है। अब थोड़ी सी इसकी भी ये साइड कच्ची रह गई थी, ये भी मैं इस तरह तैयार कर लेती हूँ। और ये वाली साइड भी, कहीं से भी हमारा कच्चा ना रहे पराठा। थोड़ा सा रह गया, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे तैयार किया है, आंच तेज नहीं करनी है। ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो चुका है, तो अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ और जो तीसरे वाला पराठा है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये हमारा पराठा रोल ये भी तैयार हो चुका है, तो ये हम डिश आउट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हमारे पराठे रोल तैयार हो चुके हैं, अभी थोड़ी सी इसमें मायोनीज डालते हैं, जितनी आपको पसंद हो आप उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप सैंडविच भी कह सकते हैं, पराठा भी कह सकते हैं, अंडा पराठा कह सकते हैं, क्योंकि हमने अंडा भी इस्तेमाल किया है, बगैर अंडे के भी पराठा बनाया है और एक रोल भी आप लोगों को बना के दिखाया है और कितने इजी तरीके से ये तैयार हो गए। अगर ये वीडियो पराठे रोल की आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।